सो गाइज, एक और बेस्ट ट्रिक आ गई है आपके लिए जो गवर्नमेंट टैबलेट को कर सकती है नॉर्मल, और आप बहुत सारी एप्लीकेशन जितनी भी सारी एप्लीकेशन है वो आपकी टैबलेट में करेगी वर्क। ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके देख लेना, आपका एंड्रॉयड 12 है तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखोगे तो आपकी टैबलेट 101% नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि ये ट्रिक आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आना है आई बटन पे, आई बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको वाईफाई पे आ जाना है और यहाँ पर एड नेटवर्क में आना है और यहाँ पे आपको पता है टाइप करना है play.google.com, play.google.com को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, ओपन विद प्ले स्टोर कर देना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैनेज एंड एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम्स वेब व्यू आपको दिखाई देगा। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल या अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इसे अनइंस्टॉल कर देना है। जब आप इसे अनइंस्टॉल करोगे तो आपका टैबलेट ऐसे नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि मेरा हुआ है। आप ट्राई करके देखना, शायद आपका भी हो जाए। बहुत सारी टैबलेट के अंदर ये ट्रिक वर्क कर रही है। और यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। आपका कैमरा वैमरा सब कुछ ओपन करके देख सकते हो, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशंस वगैरह वर्क कर रही है। तो साथियों, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, अभी बहुत सारी टैबलेट में वर्क करी है, आप भी ट्राई करना, शायद आपकी टैबलेट के अंदर ये ट्रिक वर्क कर जाए। अगर वर्क करती है तो कमेंट में भी अपनी राय जरूर रखना कि भाई हमारी टैबलेट में ये ट्रिक वर्क कर गई है, ताकि और भी इस पर विश्वास कर सके। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। आप इस ट्राई जरूर करना।